पुलिस को सूचना मिली थी कि एक हर्ष सिंह नाम का व्यक्ति जो है लड़का, ये पिस्टल लेके घूम रहा है। इस संदर्भ में क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली की संयुक्त टीम घेराबंदी करके इस लड़के को पकड़ी, तो इसके पास से एक 7.65 mm की जो पिस्टल बरामद हुई और एक नग कारतूस बरामद हुआ है। ये ऑटोमेटिक पिस्टल है। इस संदर्भ में इसको अभी गिरफ्तार करके धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत एक रिमांड पर भेजा जा रहा है। लेके घूम रहा है और जब इसको घेराबंदी करके पकड़ा गया तो इसके पास पिस्टल और एक नग कारतूस प्राप्त हुआ है। ये पिस्टल आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक पिस्टल है, तो काफ़ी खतरनाक हथियार है। तो इसके मद्देनज़र अभी इसके धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा जा रहा है। इसके पूर्व के भी अपराध हैं, हाफ मर्डर में भी लड़का जेल जा चुका है और इसको एक रिमांड पर भेजा। जानकारी सामने आई है कि इसका एक दोस्त है जो 2 साल पहले ही जिसका मर्डर हो गया था। मर्डर के कुछ समय पहले ही इसने पिस्टल को आर्म ड्राइवर है जिसकी मेहमानी कंडक्टी का काम करता है, सुरक्षा रखा हुआ है। जो गतिविधि है ना, बहुत गलत लोग हैं, कई बार मर्डर, कई बार बोले इस पर गश्त हो ही रही है और कड़ी गश्त कराई जाएगी। ये पुलिस की सक्रियता ही है कि इस प्रकार के जो अवैध हथियार है ये जब्त हो रहे हैं। अभी आगामी चुनाव है तो ऐसी कार्रवाई और तेज होगी। पुलिस को सूचना मिली थी कि हर्ष सिंह नाम का व्यक्ति जो है लड़का, ये पिस्टल लेके घूम रहा है। इस संदर्भ में क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली की संयुक्त टीम घेराबंदी करके इस लड़के को पकड़ी, तो इसके पास से एक 7.65 mm की जो पिस्टल बरामद हुई और एक नग कारतूस बरामद हुआ है। ये ऑटोमेटिक पिस्टल है। इस संदर्भ में इसको अभी गिरफ्तार करके धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत रिमांड पर भेजा जा रहा है। तो मामले ये पहले भी हाफ मर्डर का आरोपी रह चुका है, फिर पुराना रिकॉर्ड भी है, इसके खिलाफ अभिनात्मक कानूनी कार्रवाई अभी की गई है।